अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटो मोबाइल्स। जी हां, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटो मोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटी की गाड़ियाँ। खंडवा पहुंची भाजपा प्रत्याशी कंचन तन्वे के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की। खंडवा पहुंची भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंचन तन्वे की रेलवे स्टेशन पर स्वागत के बीच धक्का मुक्की हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के दौरान धक्का मुक्की की। जी हां, खंडवा पहुंची कंचन तन्वे, जब रेलवे स्टेशन से वो बाहर आई तो कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। हालांकि ये भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह था कि वो वहां पर स्वागत की होड़ में धक्का मुक्की करने लगे। भारी भीड़ के बीच कंचन तन्वे को किसी तरह से रेलवे स्टेशन से बाहर लाया गया। यहां से वो दादाजी दरबार पहुंची। इस बीच वो बार बार भीड़ से परेशान दिखाई दे रही थी। कई लोग स्वागत में खड़े थे और मालाएं लेकर उनका इस्तकबाल करना चाहते थे, और यही वजह थी कि भारी भीड़ के बीच श्रीमती कंचन तन्वे का स्वागत हुआ। सुनिए उन्होंने अपने टिकट को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर क्या कुछ कहा। क्या कहना चाहेंगे आप, एक अभूतपूर्व उत्साह देखने में मिला है। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और मेरे सभी भारतीय जनता का और विकास करते रहेंगे। और मैं छोटे बच्चे जीतते हैं।